नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिब्बे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नरसिंहपुर के रेलवे स्टेशन के रेलवे हॉस्पिटल में विश्व एड्स दिवस के कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर आर कुर्रे ने किया। आज के दिन पूरे विश्व में एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार के वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इस बीमारी से जिसकी मौत हो गई है उनका शोक मनाना। सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी, गैर सरकारी संगठन और NGO अक्सर एड्स की रोकथाम और नियंत्रण पर शिक्षा के साथ इसके नियंत्रण और जड़ से खत्म करने की बात पर जोर देते हैं और के लक्षण और उपायों को जनता के सामने रखते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता के साथ साथ सावधानी भी आए। आज इसी अवसर पर मिशन इंद्रधनुष 2.0 अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें अभियान का मुख्य उद्देश्य 2 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण 100% कराना है और अभियान को सफल बनाना है। विश्व एड्स दिवस के बारे में हमने जागरूकता अभियान किए हैं, इसमें स्टेशन परिसर और रेलवे हॉस्पिटल दोनों जगह विशेष प्रोग्राम करके एड्स के बारे में बताए हैं, उसको जानकारी दिए हैं कि किस तरीके से एड्स फैलता है, उसकी रोकथाम के बारे में बताए हैं, उसके इलाज के बारे में बताए हैं और साथ में हम उसको ये बताए हैं कि किस तरीके से आप एड्स से जो मरीज है उसका जो नाम है गुप्त रखा जाता है और आप सामाजिक बहिष्कार न करके उसके साथ व्यवहारिकता अपनेपन भावना से रखिए और ताकि वो भी एक समाज के हिस्सा बने रहे और साथ में भविष्य में किस प्रकार को एड्स को पूरी तरीके से रोकना है और एक टाइम सुनिश्चित करना है कि हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकें, ये सारी जानकारी दिए हैं। सर आज मिशन वो इंद्रधनुष भी है तो उसका? हाँ, आज मिशन इंद्रधनुष 2 दिसंबर से चालू हुआ है, तो हम आंगनबाड़ी केंद्र में भी गए हैं और हमारे रेलवे हॉस्पिटल में भी आए हैं, सभी मिल करके हम पूरा ज्वाइंट किए हैं और रेलवे स्टेशन सभी जगह बच्चे को कन्वेंस करें उसके मदर को और जा करके हम इंद्रधनुष प्रोग्राम के अंदर पूरी टीके लगाने के लिए सुनिश्चित किए हैं और टीकाकरण चालू है और टीका कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी जिसमें आप लोग जागरूकता फैला। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।